सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोडेंट अल्सर या मूडन अल्सर भी इसको कहते हैं या क्रोनिक सार्पिंग्वस अल्सर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको अच्छी तरह करने इसके डायग्नोसिस के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताए हुए हैं. इसका सिनेरियो अक्सर आता है पेपर में, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन इट वेरी केयरफुली. दिस इज अ रेयर बट सुपरफिशियल प्रोग्रेसिव मार्जिनल अल्सर. अब हमने पहले भी देखा था कि मार्जिनल अल्सर क्या होता है, इससे पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि वो एक ऑटो इम्यून फिनोमेना था जिसमें अल्सर डेवलप हो रहा था मेजरली इन द ओल्ड एज पीपल, और इसमें न्यूरलजिक पेन की हिस्ट्री थी जो हमने मार्जिनल अल्सर देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मार्जिनल अल्सर दैट इज प्रोग्रेसिव एंड सुपरफिशियल. होगा बिल्कुल ऊपर वाली लेयर्स में, लेकिन इट प्रोग्रेसिव टू वर्स स्टेट इफ इट इज नॉट क्योर्ड. और ये डिजेनरेटिव टाइप है, इसमें बेसिकली डिजेनरेशन हो रही है ऑफ द पार्ट्स ऑफ कॉर्निया जिसकी वजह से ये रोडेंट अल्सर वाली अपियरेंस आएगी. पहले एक ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ऑटो इम्यून फिनोमेना है. इसमें क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है कॉर्निया की ड्यू टू इस्कीमिया. और इस्कीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ कोलेजिनोलिटिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं जो कि कॉलेजिन को ब्रेक कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इन द कॉर्निया. तो यहाँ डिजेनरेशन हो रही है और ये प्रेजेंट करते हैं इन ओल्ड एज. वैसे ऑटो इम्यून जो है ज्यादातर हम यंग में देखते हैं, लेकिन ये एल्डरली मेल्स में ज्यादा कॉमन है. और सेम न्यूरलजिक पेन वाली बात है जो हमने पहले भी देखी है इन द मार्जिनल अल्सर. अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले डिवेलप होती है स्मॉल अल्सर्स, बाद में वो कोलैप्स कर जाते हैं और रोडेंट अल्सर की फॉर्म लेते हैं. रोडेंट अल्सर कैसे होता है, जैसे डिजेनरेटिव चेंज हमने पढ़ा, तो इस तरह बिल्कुल सेंटर वाली जगह पे नेक्रोसिस हो रही है, तो इससे ऊपर वाला जो एरिया है ऐसे दैट इज रेस्ड. तो रोडेंट ऐसे ही होता है कि जैसे कान होते हैं ना खरगोश के, साइड्स रेस्ड हैं और बिल्कुल सेंटर में डिप्रेस्ड एरिया जो कि नेक्रोसिस हो रही है जहां पे. तो रोडेंट अल्सर या मूरन अल्सर इस वजह से इसको कहते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो स्मॉल अल्सर्स हैं वो कोलैप्स करके ये फॉर्म ले लेते हैं जिसमें एजेस ओवरहैंग करें और सेंटर में नेक्रोसिस है. सो स्मॉल अल्सर स्प्रेड सेंट्रिपेटली एंड कोलैप्स विद ईच अदर. ये सारी वही बातें बताई हुई हैं. कॉम्प्लिकेशंस यही है कि इसमें परफोरेशन बहुत कॉमन है. ट्रीटमेंट इसकी उसी तरह से है जैसे हमने पहले देखा था, क्लीनलीनेस हाइजीन रेस्ट वो सारी बातें यहाँ सेम आएंगी. अब यहाँ जो एक्स्ट्रा बात है लाइक जो फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने जो डिजीज के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी और साथ में एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉयड्स का उसने बताया कि ये इनइफेक्टिव है क्योंकि यहाँ बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो रहा. तो मेन चीज जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन. और इसके अलावा एक्सीजन ऑफ 4 to 6 mm स्ट्रिप ऑफ एडजेसेंट कंजंक्टिवा विद और विदाउट क्रायोथेरेपी इज ऑफन इफेक्टिव. ये भी हमने देखा था कि फंगल वाले केस में भी हमने देखा था कि कंजंक्टिवल फ्लैप इज यूजफुल. तो यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन मेन चीज जो है आपने लिखनी है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी और बाकी सारा रेस्ट और प्रोटेक्शन और सारे पॉइंट सेम आएंगे. नेक्स्ट इज एक्सपोजर केराटाइटिस. दिस इज वेरी सिंपल, आप इसको खुद से सोचिए. एक्सपोजर केराटाइटिस क्या होगा कि जब कॉर्निया का एक्सपोजर इंक्रीज है विद द एनवायरमेंट. ये कब होगा, जब हमारी लिड्स क्लोज नहीं है. अब ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, अगर पैरालिसिस हो ऑर्बिकुलारिस ओकुलाई का तो हमारी आईलिड्स क्लोज नहीं हो रही, या फिर अगर प्रोप्टोसिस है आई बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया कि लिड्स उसको कवर नहीं कर पा रही तो आई बॉल एक्सपोज्ड है, या रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग नहीं है, टीयर फिल्म की एब्सेंस है, या ड्राई आईज हैं जो हर वक्त एक्सपोज्ड हैं टू द एनवायरमेंट. तो ऐसे केसेस में एक्सपोजर केराटाइटिस हमें मिलेगा. अब इसमें साइंस क्या है कि कॉर्नियल इरोजन है विद अल्सर फॉर्मेशन. और कोई भी हमें जो है एक्सपोजर की साइंस मिलेंगे कि जिस वजह से एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्सपोजर केराटाइटिस डिवेलप हो रहा है. अब यहां पे क्या होगा, अगेन रेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ कॉर्निया का बराह रास्त कोई मसला नहीं है. यहाँ कोई सेकेंडरी इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से कॉर्निया में हमें केराटाइटिस मिल रहा है. तो यहाँ क्या हम करेंगे, एक तो हमने करना है कि कॉर्निया को कवर करना है बाय अप्लाइंग एन आई शील्ड या बैंडेज ताकि मजीद कॉन्टेक्ट ना हो.
इसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर्स हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि जो ड्राइनेस हो रही थी जो है कंसिस्टेंट एक्सपोजर की वजह से वो ना हो। फिर टार्सोग्राफी भी कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया और ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, ये मेन चीज़ है। इसके अलावा बैंडेज, प्रोटेक्शन, रेस्ट, सारी चीज़ें सेम, और ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो हमने इसमें लिखनी है। देन न्यूरो पैरालिटिक केराटाइटिस, ये वो केस है जब मैंने बताया था कि पेनलेस अल्सर, पेनलेस केराटाइटिस, ये वो चीज़ है। यहाँ क्या है, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन। इसमें बेसिकली फिफ्थ नर्व का पैरालिसिस है, जो बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया के केस में हमें नजर आ रहे हैं कि जब हम ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया होता है तो हम अल्कोहल इंजेक्ट करते हैं इनटू द गैंग्लियन और उसकी वजह से वहाँ पैरास्थीजिया या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हमें नजर आती है, फिफ्थ नर्व की पैरालिसिस है। अब इस केस में न्यूरो पैरालिटिक केराटाइटिस डिवेलप हो सकता है। सो यहाँ कॉर्नियल एनेस्थीजिया है और पेनलेस कंडीशन है और अल्सर डिवेलप हो रहा है। अब यहाँ पे लार्ज कॉर्नियल अल्सर हमें नजर आएंगे और इसमें और कोई खास बात नहीं है, बस इसका ये पता होना चाहिए कि देयर इज पेनलेस कॉर्नियल अल्सर इन दिस केस ड्यू टू फिफ्थ नर्व पैरालिसिस। नेक्स्ट नॉन प्रूरुलेंट या वायरल केराटाइटिस देख लेते हैं। यहाँ पे हर्पीज सिंप्लेक्स एंड हर्पीज जोस्टर इनको हम कंपैरिजन में देखेंगे, तभी ये चीज़ें हैं जो हमारी कंपैरिजन में हमें याद भी रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हर्पीज सिंप्लेक्स की बात करें तो हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस इन्वॉल्व होता है और इसको अगर आप याद करें तो हमने पहले भी पढ़ा था इन द इट कॉजेज फॉलिकुलर केराटो कंजंक्टिवाइटिस। जो वायरल फॉर्म में हमने फॉलिकुलर बिल्कुल अलहदा से मैंने पढ़ाए थे, वो बुक में मेंशन नहीं थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हर्पी सिंप्लेक्स इन्वॉल्व है। अब इसमें साथ में चूंकि हर्पी सिंप्लेक्स है तो बाकी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और स्किन इन्वॉल्वमेंट भी साथ में हमें नजर आएगी। अब यहाँ पे अगर हम साथ ही बात करें हर्पी जोस्टर की, हर्पी जोस्टर में क्या होता है कि चिकन पॉक्स की प्रीवियस हिस्ट्री होगी, क्योंकि ये वेरिसेला वही वायरस है जिसने कभी पहले चिकन पॉक्स किया था, अगर ये रिएक्टिव हो गया है तो ये शिंगल्स कॉज करेगा और ये साथ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो हमें वायरस के दूसरे साइंस मिल गए, लाइक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, ये जो है ना स्पेसिफिक उस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है जिस नर्व के गैंग्लियन में ये गया था, तो यहाँ उस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर हम इनकी बात करें फीचर्स की तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ब्रांचिंग पैटर्न इस तरह का नजर आता है जिसमें नॉब्स प्रेजेंट होती हैं और साथ में ब्रांचिंग एक्सटेंसिव होती है। अब इसकी ये हमने याद रखना है कि क्या इसके जो फीचर्स हैं, एपिथेलियल अल्सर, फिर स्ट्रोमल इंटेस्टिशियल केराटाइटिस, फिर डिसीफॉर्म केराटाइटिस एंड आइरिडोसाइक्लाइटिस, इस फॉर्म में सिवियर होता जाता है। और ये यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, सुपरफिशियल पंक्चुएट मल्टीपल स्मॉल अल्सर्स होंगे पहले, उसके बाद क्या होता है यहाँ ब्रांचिंग पैटर्न नजर आता है। ये ब्रांचेस हर्पीज जोस्टर में भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां डिफरेंस है कि वहां नॉब्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ ज्यादा ब्रांचिंग है और वहां हमें कम ब्रांचिंग नजर आएगी। और यहाँ पे उसके बाद डिवेलप हो जाता है कॉन्फ्लुएंट अल्सर और जो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू डिसीफॉर्म अल्सर, और इसके बाद फर्दर होगा आइरिडोसाइक्लाइटिस। अगर हम हर्पीज जोस्टर की बात करें तो यहाँ पे पहले सुपरफिशियल पंक्चुएट केराटाइटिस सेम, उसके बाद ये हमें नजर आती है लेस ब्रांचिंग फॉर्म में, ब्रांचिंग है लेकिन कम है और टैपर्ड एंड्स हैं, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद अगेन इसमें क्या था, हमने देखा कि ये सब एपिथेलियल या फिर डेंड्रेटिक अल्सर के बाद कॉन्फ्लुएंट अल्सर और फिर डिसीफॉर्म अल्सर हमें नजर आया था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें नजर आएगा न्यूमुलर केराटाइटिस और उसके बाद लास्ट स्टेज सेम है डिसीफॉर्म, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इन द थर्ड स्टेज, यहाँ कॉन्फ्लुएंट है और यहाँ पे हमें नजर आ रही है न्यूमुलर केराटाइटिस, और यही रहा है कि ये फर्दर कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है और आखिर में जो है वर्स्ट फॉर्म हमें नजर आती है। अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो साथ में हमें लैक्रिमेशन, ब्लेफरोस्पैज्म, जनरल साइंस नजर आएंगे और साथ में उस जो है वायरस के स्पेशल फीचर्स जो हैं वो पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पे वेसिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन हमें साथ में नजर आती है जो कि स्पेसिफाई कर रही है वायरस को। अब यहाँ पे आपने याद रखने के ट्रीटमेंट अगेन सेम है, डिब्राइडमेंट कैन बी यूज लेकिन जो ग्राफिकल अल्सर के लिए नहीं यूज हो रही,
एंटीवायरल्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि सिस्टेमिक भी यूज़ होते हैं और टॉपिकल भी। इसके अलावा इंटरफेरॉन मोनोथेरेपी और एट्रोपिन वगैरह, बाकी आपने सेम वही ट्रीटमेंट लिखनी है जो हमने पहले डिस्कस किए। और जोस्टर की बात करें तो ये फर्स्ट 4 वीक्स के अंदर एक्यूट फेज इसका आता है। क्रॉनिक यानी कि अगर एक दफा चिकन पॉक्स हुए हैं और आफ्टर 4 वीक्स ये डेवलप हो सकता है, या 10 ईयर्स के बाद अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स दोबारा से अपीयर हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये क्रॉनिक फेज और रिलैप्सिंग फेज है, कि इससे भी ज्यादा देर से अगर प्रोग्रेस अगर हमें ये ऐसे कोई साइंस नजर आए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेजिकल्स डिवेलप हो रहे हैं ओनली एट द डिवीजन ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ नर्व, तो उस पर्टिकुलर एरिया की इन्वॉल्वमेंट, हमें इतने एरिया की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। हर्पीस सिंप्लेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साइंस वगैरह काफी ज्यादा है हर्पीस जोस्टर में। साथ में हमें होचिसन रूल भी याद रखना है इसमें, कि टिप ऑफ द नोज पे स्किन पे वेजिकल इरप्शन लाजमी होगी। वैसे तो हमने देखा है यहाँ डायग्राम में कि ये इतना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है ये, लेकिन यहाँ टिप ऑफ द नोज एक एक्स्ट्रा पार्ट इन्वॉल्व हमें नजर आएगा, जिसको हम होचिसन रूल कहते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेशंस वही हैं कि ये आगे फर्दर आइडोसाइक्लाइटिस, स्क्लेराइटिस और बाकी पार्ट्स ऑफ आई को इन्वॉल्व कर रहा है, सराउंडिंग में नर्व्स को इन्वॉल्व कर रहा है। अब क्या होता है कि एक्सपोजर केराटाइटिस फर्दर डेवलप होता है ड्यू टू 7th नर्व पाल्सी। ऑलरेडी 5th नर्व की पाल्सी हो गई है यहाँ पे, नॉट 5th नर्व पाल्सी बेसिकली, लेकिन ये उसकी डिवीजन के थ्रू आया है, बेसिकली नर्व के थ्रू ये वापस रिलैप्स किया है, तो इस वजह से ये मजीद नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है, तो इसकी वजह से एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है। अब अगेन नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो न्यूरेलजिया भी होगा। सेम इसकी ट्रीटमेंट है एंटीवायरल्स के साथ, हमने बाकी सारी चीजें लिखनी है, एट्रोपिन, रेस्ट प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दीज। अब चूंकि ये थोड़ी सवेयर फॉर्म है और पेशेंट जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं, इस वजह से ये एक दो चीजें एक्स्ट्रा आप जो यहाँ लिखी है एंटी डिप्रेसेंट्स हम देंगे। और केराटोप्लास्टी जो है हर चीज में आखिरी हल रह जाता है जब भी कॉर्नियल अल्सर बहुत सवेयर किस्म का है, तो ये हम हर एक में लिख सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है हर्पिस सिंप्लेक्स एंड हर्पिस जोस्टर का, ये एक दफ़ा लाजमी रीड कर लें, यही सारी बातें इसकी एक दफ़ा अच्छी तरह समराइज हो जाएंगी। बाकी ट्रीटमेंट वैसे करना है जैसे अभी आपको बताया है। और ये एक टॉपिक रह गया एक एंथमीबा केराटाइटिस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में भी हमने फीचर देखा था, इट्स एसोसिएशन विद कॉन्टैक्ट लेंस। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्ट सोल्यूशन में रख रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर जो उसके लिक्विड अवेलेबल होता है वो नहीं यूज कर रहे, तो कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री लाजमी हमें नजर आएगी इन दिस केस। इसके अलावा रेडियल कैरेटो न्यूराइटिस प्लस रिंग शेप लियन अराउंड दी कॉर्निया, तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये एज इट इज रट लेने, यही फीचर्स मेंशन होंगे सिनेरियो में। इसमें बहुत सवेयर पेन होती है आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द साइंस, फंगल केस में यही होता है कि उतने ज्यादा साइंस और सिम्टम्स हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन पेन उससे ज्यादा होती है, यानी इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी हुई है लेकिन पेन बहुत ज्यादा है। बाकी 3 फीचर्स मैंने बता दिए, इसका ट्रीटमेंट जस्ट एक दफा रीड कर लेना, डिब्राइडमेंट जैसे हम फंगल में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको जस्ट रीड करना है एक दफा, लाइक फ्लिक टेनुलर केराटाइटिस जो हमने पहले पढ़ लिया, केराटो कंजंक्टिवाइटिस में फ्लेक्टन कैसे डेवलप होता है सराउंडिंग कंजंक्टाइवा को, और उसके बाद कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है, ये कंजंक्टाइवा के चैप्टर में पढ़ लिया। एक्नी रोजेशी जो है अगेन ये सेम है जो हमने आगे ईएनटी में नोज के पोर्शन में भी पढ़ी है, स्किन इन्फेक्शन करती है, तो साथ में ये आई इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है इसमें सिवियर केसेस में। फोटोफ्थेल्मिया क्या होता है, आई के कोई भी डैमेज ड्यू टू लाइट या यूवी रेडिएशन की वजह से जो आई में इशू आए उसकी, उसको हम कहेंगे फोटोफ्थेल्मिया। डीप केराटाइटिस, ये नाम आपने सर्व करने हैं, ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था। फिर कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, मैगेलो कॉर्निया, कॉर्निया का डायमीटर मोर देन 14 mm, ये जस्ट वैल्यूज याद रखनी है। केराटोग्लोबस, एक होता है केराटोकोनस जो हमने पूरा डिटेल से टॉपिक पढ़ना है, जो पार्ट ऑफ कॉर्निया जो है डिस्टॉर्ट हो रहा है, बल्ज हो रहा है, और ये पूरा का पूरा कॉर्निया ही अगर इस फॉर्म में आ रहा है, प्रोट्रूजन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं केराटोग्लोबस।
फिर माइक्रोकॉर्निया लेस देन 10 mm, अब ये ग्रेटर देन 14 और लेस देन 10 mm, ये दो हमने वैल्यूज याद रखनी है। केराटोप्लेना मीन्स के कॉर्निया जो है बिल्कुल प्लेन है, जो जब कैसल में उसका कर्वेचर होना लाजमी है। एंड पोस्टीरियर एम्ब्रियो टॉक्सॉन, ये क्या होता है, प्रोमिनेंस ऑफ श्वेलबेज लाइन, जस्ट ये एक बात आपने याद रखनी है। और इसमें ये किस जगह पे है, एट द टर्मिनेशन ऑफ डेस्मर्स मेम्ब्रेन, ये टू पॉइंट्स हैं फॉर एमसीक्यूज एंड नथिंग एल्स यू हैव टू डू फ्रॉम दीज। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद कॉर्नियल डिजनरेशन एंड डिस्ट्रॉफीज़।